तो नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाले खिड़किया घाट यानी नमो घाट हो चुका है यहाँ पे। अब बताना चाहेंगे यहाँ पे एंट्री फीस लगने लगी है कि बात करते हैं, पहले यहाँ पे 10 रुपये एंट्री फीस लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे उसको चेंज करते हुए अब यहाँ पे गाड़ी और दो पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का यहाँ पे स्टैंड लिया जा रहा है, जो कि 20 गाड़ी के 20 रुपये लग रहे हैं और 4 पहिये के कितना है मैं बात करके बताऊँगा, अभी मुझे जानकारी नहीं पूरी है। अब बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हुआ है क्योंकि जानते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर काफ़ी गंदगी करते हैं, उसका मेंटेनेंस और यहाँ पे गार्ड वगैरह जो रखा गया उसके मेंटेनेंस के लिए सब किया गया। वैसे भी यहाँ पे जानते थे कि पहले से जब बन जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे स्टैंड का टिकट लगेगा। अब बाकी यहाँ पे देखिए गार्ड वार्ड खड़े हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ और बात भी करता हूँ उनसे कितना चार्ज ले रहा है 2 पहिया वाहन के और 4 पहिया वाहन के। देखिए यहाँ पे दो गाड़ी आ रही है, दोनों गाड़ी से वसूला जा रहा है। इसके लिए मैं अभी कहूँगा कि अच्छी बात है ये काफ़ी। तो भैया काटिए मेरी भी टिकट, देखिए यहाँ पे टिकट काट रहे हैं भैया का। तो भैया आपसे कुछ बोलना चाहेंगे, जो टिकट कट रहा है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ। टिकट कटना चाहिए। अच्छा, और भैया जो यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग आके इतनी बेहतरीन घाट बनाया गया है, लोग यहाँ पे थूक के चले जा रहे हैं, ये तो लोगों के गलत काम है भाई। आप जहाँ घूमने आ रहे हैं उसी जगह को आप गंदा कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। कितना भैया आपका? 20 रुपये। देखिए भैया यहाँ पे देख रहे हैं 2 पहिया वाहन का 20 रुपया है। कितने घंटे चार्ज कर रहे हैं थोड़ा डिटेल बताइए हमें। 2 घंटे का 20 रुपया ले रहे हैं। और उसके आगे का? उसके आगे का चार्ज बढ़ेगा, 2 घंटे से ऊपर जाएंगे। 2 घंटे के बाद कितना चार्ज लगेगा? 10 रुपये बढ़ेगा। अच्छा, चलिए मेरा भी टिकट काट दीजिए आप। क्या भैया? मेरा भी टिकट काट दीजिए आप, बोल रहे थे मैं कटा रहा ना। देखिए मैं भी टिकट कटवा रहा हूँ अपना। नंबर बोल दीजिए, गाड़ी नंबर। एक मिनट, तो उस समय देखते थे मैं टाइम मतलब बता दे रहा, टाइम के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए इसमें 10:37 हो रहा है और आज है 4 अगस्त है ना, 4 अगस्त, 8वां महीना। अच्छा चलिए मैं इनको पैसा देता हूँ। ये देखिए मैं टिकट कटवा लूँ यहाँ पे। ये देखिए वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत काफ़ी अच्छा है, 20 रुपया पहले से ही था कि यहाँ पे चार्ज लगेगा। देखिए थे यहाँ, ये देखिए इस अभी टिकट काउंटर ही बनाया गया, अभी यहाँ पे ऐसे ही दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया उसमें यहाँ से वसूला जाएगा। ये खरीदिए। और 4 पहिया कितना हो गया? 4 पहिया बताया नहीं आपने, 50 रुपया। उसका कितने घंटे का चार्ज है वो? उसका 2 घंटे का। 2 घंटे के जैसे इसका 2 घंटे उसका भी, उसका भैया 2 घंटे के बाद भी चार्ज नहीं स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा चलिए मैं इनको पैसा देता हूँ। जी पकड़िए, तो हम आई मिला तुम्हें पैसे ले लीजिए। 20 रुपया दिया है टिकट, और टिकट ये तो देखिए मैं टिकट ले चुका हूँ, अब इनको 20 रुपया मैं दिया हूँ। अब आपको पूरा यहाँ का सीन दिखाता हूँ, जो यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, पूरा जो चल रहा है। चलिए तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे देखिए गार्ड भैया है। साइकिल का भी कुछ चार्ज लग रहा है? चीज़ गाड़ी का मतलब साइकिल का निःशुल्क रहेगा? नहीं, साइकिल का नहीं है ना। चलिए बढ़िया है, आप लोगों के लिए फायदा मतलब है। सामने से आएंगे, बगल में आपको सीएनजी मिल जाएगी रिफिल कराने के लिए, कार हो चाहे ऑटो हो, ऑटो के लिए बनाया गया सीएनजी यहाँ पे। देखिए इंटर भी इधर से भी है, यहाँ से भी गार्ड रोक रहे हैं जाने के लिए। यहाँ प्रॉपर बोर्ड नहीं लगाया क्या, मतलब कि गाड़ियों को कितना चार्ज दिया जा रहा है, क्या है बोर्ड नहीं लगाया गया क्या? कुछ दिन पहले बोर्ड लगा था ना यहाँ पे, हट गया क्या बोर्ड? हट गया ना। अच्छा चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसी बताना चाहेंगे, यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या करते हैं, गंदगी काफ़ी करते हैं, गंदगी तो करते हैं। और एक सामने यहाँ पे देखिए ये लगाया गया है वाटर कूलर लगाने से मतलब ये है कि पानी लोग पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे भी लोग आते हैं, उसका टोटी होता है चुरा के ले चले जा रहे हैं, बताइए। ये वैसा सर कांड हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सावधान रहें, गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण नीचे जाना सुरक्षित नहीं है। ये देखिए तो यहाँ से ये गेट एंट्री यहाँ से जाने के लिए, और ये फूड कोर्ट बनाया गया है यहाँ पर। देख रहे हैं इसमें बंद चल रहा है ये, क्योंकि यहाँ का जो देख रहे हैं कई बार यहाँ लगाए हैं और यहाँ पे चुरा लिया गया है। टोटी है जो यहाँ से पानी आता है वो भी मेन चीज़ निकाल ले रहे हैं लोग, बताइए ऐसा था कांड हो रहा है गड़िया घाट पे। ये देखिए आपको कितना खूबसूरत लग रहा है ये यहाँ पे जो बनाया गया है।
वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो नमो घाट लोग घूमने आते हैं उनको पता लगे कि यहाँ पे टिकट व्यवस्था चालू हो चुकी है। तो देखिए मैं इस समय आ गया हूँ यहाँ पे, देखिए ये रास्ता बनाया जा रहा है इस घाट जाने के लिए, रोड उधर जाने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है प्रॉपर। देखिए इसका भी काम काफ़ी तेज गति से हो रहा है क्योंकि इसका उद्घाटन बनते ही होने वाला था और इसमें इसका उद्घाटन इसलिए रुक गया क्योंकि पहले फेज काम कम्प्लीट हो चुका है, दूसरे फेज कम्प्लीट हो, दोनों जब फेज काम कम्प्लीट हो जाएगा तब इसका यहाँ पर इसका उद्घाटन, हालांकि उम्मीद है कि मार्च तक इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा, मार्च 2023 तक ज्यादा उम्मीद है क्योंकि काम इसका काफ़ी तेज़ हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से प्रॉपर पूरा आगे बनाया जा रहा है, आगे क्या क्या हो रहा है मैं भी पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ये देखिए पूरा, देखिए इसको बना गया पत्थर को भी, जैसे उस सभी घाटों में बने गए पत्थर साइड जाली से, वैसे सभी पत्थर को बना गया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पूरा, ये जाली से पूरा ढाला गया है इधर साइड साइड में, देख रहे हैं आप ये आगे पूरा मिट्टी है। आगे चलता हूँ, वो दिखाता हूँ चल के थोड़ा सा यहाँ से उधर के। ये देखिए देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा जगह है जैसे दिखा रहा हूँ ऊपर चल के पूरा मैं। और यहाँ पे बात करता हूँ मैं आपको क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन किया गया है और यहाँ पे क्या क्या होगा। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाने का भी प्लान किया गया है, ये रेस्टोरेंट बनाया जाएगा यहाँ पे। और बात करते हैं हेलीपैड तो आपको जो शाही नाला जो बहता है उसके आगे हेलीपैड बनाए जाएंगे क्योंकि हेलीपैड पहले इसी इधर ही बनाना था, ये आप सही साइड में देख रहे हैं इधर ही बनाना था लेकिन अब हेलीपैड को ट्रांसफर आगे कर दिया गया है पूरा। अब 34 करोड़ की लागत से घाट को विकसित किया गया है, इसमें थोड़ा बहुत कास्ट और बढ़ा हुआ है। और जो मैं आपको जानकारी आगे कहीं चल के दिखाता हूँ जो काम यहाँ पे चल रहा है। अब देख सोचिए दोनों घाट ये बन जाएगा कितना खूबसूरत हो जाएगा। देखिए टूरिस्ट सिर्फ यहाँ से उतना दूर में आ रहा है क्योंकि टूरिस्ट आगे भी बढ़ जाएंगे तब जाने के लिए। आज पूरा ये काम आदि केशव घाट तक पूरा हो रहा है, राजघाट से लेके पूरा नमो घाट से होते हुए पूरा ये आदि केशव घाट तक। और शाही नाले का भी काम पूरा हो चुका है जो कि आप देखते थे कि वहाँ का पानी जो है काफ़ी साफ दम के आ रहा है, और तो वहाँ पानी बढ़ गया तो इसलिए समझ नहीं आएगा सब। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे काम के, चलिए थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको चल के। हाँ भैया थोड़ा सा बताइए फिर से क्या बोले थे आप? एक कुंड बन रहा है भाई, मतलब कि ये पोखरी बन रहा है। अच्छा पोखरी बन रहा है ये मूर्ति विसर्जन करने के लिए। अच्छा मूर्ति विसर्जन के लिए, मतलब परमानेंट बन जाएगा ये ना? परमानेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भैया ने बताया है कि यहाँ पे एक कुंड बनाया जा रहा है जैसे मूर्ति विसर्जन के लिए, ये परमानेंट बन जाएगा पूरा। देखिए पिलर द्वारा पक्का पूरा बनाया जा रहा है ये सरिया वाला मान के पूरा। तो इसकी भैया लंबाई थोड़ा क्या है थोड़ा कुछ बताएंगे इसके बारे? इसका लंबाई 30 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है। अच्छा देखिए पूरा ये लंबे बनाया जा रहा है, मतलब इतने बन रहेगा ना ये, इतना बड़ा है। अच्छा एक साइड सरिया बांध दिया गया है यहाँ पे भी, ये देख रहे हैं आप पूरा यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ही सरिया बना गया है। देखिए बात करता हूँ मैं, ये प्लॉटिंग जेटी बनाया गया है, देखिए साइड में इधर आके इसको बांध दिया गया है तो क्योंकि उधर सामने की खिड़किया घाट पे इसको लगाया गया था यानी नमो घाट पे, और इस तरफ इसको बांध दिया गया है क्योंकि गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं थोड़ा बढ़ गया है इसलिए स्विंग कर रहा है, मतलब ये बालू पत्थर डाला गया इसको दबा रहे पता ना। हाँ जी। अच्छा इसको पहले ग्रेडिंग होती है फिर पानी अपने पड़ता है मॉक्सर के लिए फिर रोड। और देखिए पूरा ये जब चल रहा है पूरा दमक रहा है ये चीज एकदम, इतनी भारी बड़का मशीन है, रोलर बोलते हैं ये रोलर। आ गया उस तरफ आपको दिखाता हूँ जो नाले का काम चल रहा है यहाँ पे, शाही नाले की तरफ से जो काम चल रहा है हेलीपैड उस तरफ बनेगा, और शाही नाला को दिखाता हूँ चल के थोड़ा सा आगे से। देखिए मैं बात करता हूँ, ये देखिए शाही नाला बह रहा है यहाँ पे, शाही नाला जो बह रहा है और इसकी सफाई देखिए काफ़ी हो चुकी है, ये पानी जो देखिए साफ निकल रहा है लेकिन अभी बारिश का पानी है जो बाढ़ वाड़ा है सब इसी से आपको ऐसा लग रहा है दिखने में, लेकिन इसका काम देख रहे हैं तब परफेक्ट हो रहा है एकदम हो गया यहाँ पे। और उस तरफ बात करते हैं हेलीपैड बनाया जाएगा उस तरफ, यही सब काम यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बताया कि रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी रहेगी पूरी रहेगी यहाँ पे, बाकी आपको पूरा ड्रोन शॉट दिखाई चुका हूँ पहले भी वीडियो में ड्रोन से पूरा यहाँ पे। तो देखिए हम लोग यहाँ से मैं रोलर बैठ चुका हूँ, अब चलता हूँ आगे आपको पूरा दिखाता हूँ घाट पे चल के। भैया ने बोला बैठ जाओ तो बैठ गया हमें आगे तक सामने का चल रहा है, हाँ देखिए सामने ही चल रहा हूँ पूरा आपको अपने लोगों का आएगा अपना भी आएगा मजा आ रहा है एकदम, मतलब देखिए पूरा जो काम चल रहा है आप दिखा रहा हूँ आप देख पा।
रहता है अपना ना, इसलिए ये प्रेशर पावर में रहता है, पलटता नहीं है ना, ये पलटता नहीं मशीन ना। जब ऊंचे नीचे में कहीं ले जाओगे तो सारी गाड़ी पलट जाएगी, वैसे नहीं पलटने का मंदिर है। यहाँ से दिखा रहा हूँ पूरा इस तरफ से, और ये देखिए पूरा एकदम नज़ारा ही बढ़िया है कर रहे हैं वहाँ से। पूरा आपको मैं मशीन से पूरा दिखा रहा हूँ वहाँ से, जो नज़ारे पूरा जो काम चल रहा है यहाँ पे। सब जी दिखा दे रहा आपको, थोड़ा ये शॉट देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए आपको मैं ये शॉट लिया हूँ दिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ क्योंकि अंतिम वीडियो लंबा हो तो मज़ा नहीं आता है फिर देखने में। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो बाहर से वो भी देख पाएंगे, नमो घाट के बारे में जानकारी उनको मिलेगी, और जो जो यहाँ पे अपडेट चीज़ें हुई हैं वो भी देख पाएंगे। वो मिलते हैं नए वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।